जगन्नाथ मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि इसे हिंदुओं के चार धर्मों में से एक माना जाता है। उड़ीसा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज्यादा पुराने मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसे रहस्य के बारे में हम आज बात करेंगे, जिन रहस्यों को वैज्ञानिक तक भी नहीं सुलझा पाए हैं। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसके शिखर पर स्थित झंडा। सब आप बोलोगे कि इस झंडे में क्या रहस्य है ना? कैसे झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है? आपने सही सुना, हवा के विपरीत दिशा में। वैसे तो आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ यह प्रक्रिया उल्टी है। अब यह ऐसा क्यों है, यह रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। फैक्ट नंबर 2, जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखे तो ऐसा लगता है जैसे चक्र का मुंह आपकी तरफ ही हो। फैक्ट नंबर 3, कहीं जैसे ही किसी चीज के ऊपर रोशनी पड़ती है उसका जस्ट अपोजिट में उसका एक शैडो बनता है, यानी कि एक छाया बन जाता है, ठीक है। लेकिन इस मंदिर के शिखर की छाया अदृश्य ही रहती है, इसकी छाया को अभी तक जमीन पर किसी ने नहीं देखा है। फैक्ट नंबर 4, कहते हैं कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती है, जबकि समुद्र मंदिर के पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकालोगे वैसे ही समुद्र के लहरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। बस वाकई ये एक आश्चर्य से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 5, आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरती ही है या कभी कभी उसके शिखर पर बैठ भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे ज्यादा रहस्यमय है, क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता है और न ही मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज उड़ते हैं। फैक्ट नंबर 6, इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन वैसे हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पक जाता है। और कैसे इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी भी कम नहीं पड़ता, चाहे 10-20 हजार लोग आ जाए या लाखों लोग आ जाए, सबको प्रसाद मिलता ही है। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। गैस इन सब रहस्यों को वैज्ञानिक तक भी नहीं सुलझा पाए हैं। तो गैस अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना।